तो मैंने प्राइमर लगा लिया है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने क्या प्राइमर में क्या यूज़ किया है, तो प्राइमर में मैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, प्राइमर में मुझे बेस्ट लगता है ये पतंजलि का एलोवेरा जेल, जो कि थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये बेस्ट है और मैं इसे ही अप्लाई करती हूँ और ये मेरा फेवरेट है। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र के लिए लूँगी यहाँ पर लैक्टो कैरामाइल, और ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। लाइक आप के फेस को एक अच्छा सा ग्लो दे देता है। अगर आप लोगों को ब्लीच नहीं होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको बस इतना सा लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना है। लाइक उसको थोड़ा सा अब मैं यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन नहीं लूँगी, मैं यहाँ पे ले रही हूँ लैक्मी 925 सीसी क्रीम, और ये मुझे अच्छी लगती है, डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी है और एक अच्छा सा आपके फेस पे ग्लो भी, और थोड़ा सा बेस भी अच्छा बन जाता है इससे। ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ी सी क्वांटिटी में। मेकअप मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि अगर मुझे कहीं जाना नहीं होता है और मैं अकेले घर में रहती हूँ, तो मैं ज़्यादातर अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ और नो मेकअप ही रहती हूँ। आपको आगे की वीडियो में मुझे आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से घर में रहती हूँ, क्योंकि मुझे एवरीडे मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे आपकी स्किन में काफ़ी हार्म हो सकता है। मेकअप तो मेकअप है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ने इस सीसी क्रीम ने मेरे जितने भी डार्क सर्कल्स, वैसे मुझे है नहीं, लेकिन जितने भी हैं वो सारे, मतलब कुछ भी कंसीलर वंसीलर यूज़ नहीं करना पड़ा और इसने हाइड कर दिए, तो ये मुझे अच्छी लगती है। और आप लोग अगर इसे यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इसका इस तरीके से छोटा सा ट्रायल पैक लेके देख लीजिए, जिस तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ। हमेशा ट्रायल पैक, कोई भी अगर आप चीज़ यूज़ कर रहे हो और अगर उसका ट्रायल पैक आता है, तो आप प्लीज़ उसे ही पहले अप्लाई करें, पहले यूज़ करें, उसके बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पर लैक्टो कैरामाइल ट्रायल पैक ही यूज़ किया है, और इसी तरीके से अब जस्ट आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लेना है। कॉम्पैक्ट के लिए यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप लैक्मी का ले रही हूँ, और इसीलिए मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं आप कॉम्पैक्ट के लिए लैक्मी का यूज़ कर लूँगी। तो ये कॉम्पैक्ट प्लस सनस्क्रीन का काम कर देता है, सन एक्सपर्ट है जो। थोड़ा सा इसको आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ, इस तरीके से करना है। लाइक ईयर ऑल्सो, देख सकते हैं आप, बेस अच्छा खासा बन गया है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आई मेकअप से। तो आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, जस्ट काजल, लाइनर, और मैं कोई भी शैडो वगैरह नहीं यूज़ करूँगी। काजल को आप लोग अगर लाइनर नहीं लगाना चाहते, तो ओनली काजल से ही आप एक काजल का ही लुक इतना अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। काजल को हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा इस तरीके से निकाल के और लाइक ऐसे अप्लाई कर लीजिए। मैं एक आंख का बता देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को ज़्यादा वो हो, प्रॉब्लम हो और वीडियो लंबा हो। सेम लाइनर का है कि आपको जो ज़्यादा सही लगे लाइनर वही ले लें। लाइनर भी मेरा लग गया है, ये काफ़ी अच्छा लाइनर है, एन बाय का है, आप लोग देख सकते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा है। अब मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर लेती हूँ। तो मस्कारे के लिए मैं यहाँ प्रीफिक्स का मस्कारा ले रही हूँ, ये अगेन मेरा फेवरेट है, आप लोगों के पास जो हो वो यूज़ कर लें। दैट्स इट।
अब मैं इस आँख का भी मेकअप करके आपके पास आती हूँ, लाइनर काजल करके, सॉरी मेकअप कह रही हूँ। तो ये वाली आँख भी मैंने इसमें भी काजल लाइनर लगा लिए है। अब मैं थोड़ा सा आईब्रो को फिल करूँगी इसी 1010 के। देख सकते हैं इसका और इसमें डिफरेंस। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि ये डे मेकअप है, तो डे मेकअप में हमको हमेशा लाइट रखना चाहिए हर चीज़, और लाइनर काजल तो अब थोड़ा सा ऐसे ही है कि सब कर सकते हैं, आप लोग भी अप्लाई करते होंगे। लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये हॉडा ब्यूटी की लिपस्टिक, और इसका कलर थोड़ा सा आप देख सकते हैं मेरे स्टिकर से मिक्स मैच कर रहा है। कौन सा भी कलर लिपस्टिक का अच्छा लगता हो वो आप कलर ले सकते हैं लिपस्टिक का। और ये है मेरा एवरीडे मेकअप, जस्ट मैं इतना ही मेकअप करती हूँ और थोड़ा सा सिंदूर डालती हूँ, तो बस यही मेरा, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा सिंदूर है अभी, और मैं अभी लूँगी थोड़ा सा सिंदूर और डालूँगी। मैं इसी तरीके से अपना मेकअप करती हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से अपना मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप काफ़ी अच्छा रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल हो आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव।